दोस्तों, एक फनी एंड सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा एंड मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो सवाल ये है, आप जो दिन भर मोबाइल फोन का यूज करते हो, क्या आपको पता है मोबाइल फोन का मतलब क्या होता है? नहीं पता है ना, बताता हूं। मोबाइल का मतलब होता है जिसको आप यहाँ से वहां लेके जा सकते हो, कैरी करके घूम सकते हो, जो मूवेबल है। और फोन का मतलब होता है जिससे आप कॉल करके किसी और से बात कर सकते हो, फिर वो कहीं पे भी हो दुनिया में। और टेलीफोन और मोबाइल फोन में यही सबसे बड़ा फर्क है। टेलीफोन में वायर लगा रहता है जिसकी वजह से वो मूवेबल नहीं है, आप यहाँ से वहाँ लेके घूम नहीं सकते हो। लेकिन मोबाइल फोन वायरलेस होता है जिसको आप यहाँ से वहाँ लेके घूम सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहले दुनिया में मोबाइल फोन को इंट्रोड्यूस किसने किया था या कौन सा ब्रांड ने किया था? आपके दिमाग में आता रहेगा नोकिया हो सकता है या फिर सैमसंग हो सकता है, लेकिन नहीं, वो था मोटरोला। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे पहला वॉकी टॉकी वो भी मोटरोला ने बनाया था। दुनिया का सबसे पहला रेडियो वो भी मोटरोला ने बनाया था। और तो और दुनिया का सबसे पहला अपोलो स्पेस मिशन में भी मोटरोला का ही कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किया गया था। तो जो कंपनी ने दुनिया को इतना सारा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दिया और इवन सबसे पहला मोबाइल फोन को भी उसी ने इंट्रोड्यूस किया, और आज वो कंपनी टॉप 10 बिगेस्ट मोबाइल फोन ब्रांड में भी नहीं आता है। तो आज हम ये वीडियो में वही देखने वाले हैं कि क्यों मोटरोला इतना ज्यादा पीछे रह गया और क्या मोटो फिर से अपना रोला जमा पाएगा। तो उस बात को टेस्ट करने के लिए रिसर्च करते टाइम मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मोटरोला का एक लेटेस्ट फोन को खरीदा जाए और उसी बजट में दूसरा ब्रांड का फोन को भी खरीदा जाए और उन दोनों को कंपेयर करके देखे कि क्या मोटरोला एक सही कॉम्पिटिशन दे भी पा रहा है। और इसीलिए मैं लेकर आया हूँ मोटरोला का ये लेटेस्ट फोन, और इसको पूरा टेस्ट करने के बाद रिजल्ट काफी शॉकिंग आया। एटलीस्ट मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं आया। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा बहुत मेहनत लग गया, प्लस इस बार ये पैसा भी लग गया। तो गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके थोड़ा अप्रिशिएट कर दो यार। बाकी बात करें मोटरोला की, तो ये मार्केट का सबसे पुराना खिलाड़ी है, या यूं कहूँ तो मोबाइल फोन मार्केट का सबसे पहला खिलाड़ी है, और उसका सबूत ये है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, द मोटरोला डायनाटेक 8000X इन 1983 It became the first commercially available handheld cellular mobile phone. हाँ, यही था दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन। वैसे मोटरोला इनोवेशन के मामले में हमेशा से बहुत ज्यादा आगे रहा है, और उसी के नतीजे से जब पूरे दुनिया में खाली नोकिया का बोलबाला चल रहा था, उस टाइम पे मोटरोला ने लॉन्च किया था रेजर फोन। याद है आपको मोटरोला का पहला फ्लिप फोन, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन चुका था। पूरा दुनिया में तभी खाली मोटरोला का ही बोलबाला चल रहा था, वो हर तरीके से बेस्ट बन चुका था। तो जो ब्रांड मार्केट में इतना अच्छा काम कर रहा था, वो आज इतना पीछे कैसा रह गया? तो यहाँ आता है सबसे पहला ट्विस्ट। 2012 में गूगल खरीद लेता है मोटरोला को $12.5 बिलियन में, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मोटरोला का ट्रेजेडिक स्टोरी। मुझे पता नहीं है गूगल ने क्यों खरीदा था, उनका क्या प्लान था, क्या स्ट्रेटेजी था, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना। पर इतना मुझे जरूर पता है, गूगल का सारा प्लान चकनाचूर हो गया, जिसके चलते 2014 में गूगल को फैसला करना पड़ा मोटरोला को फिर से बेच देने का। और इस बारी लेनोवो खरीद लेता है मोटरोला को, वो भी सिर्फ $2.9 बिलियन में। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे गूगल को 80% लॉस को झेलना पड़ा, क्योंकि दोस्तों मोटरोला का ब्रांड वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे चल रहा था। लेकिन इस टाइम पीरियड में एक अच्छा चीज हो रहा होता है जो लेनोवो को समझ गया था। लेनोवो देख लेता है 2014 में मोबाइल फोन मार्केट धीरे धीरे स्मार्टफोन मार्केट में तब्दील हो रहा था। फिर क्या, लेनोवो ने मोटरोला का जितना भी टूल्स था, एक्सपर्टीज था, टेक्नोलॉजीज था, सबका सब लगा दिया स्मार्टफोन बनाने में। अब ये सुनने के बाद में आपको लगता होगा कि अभी मोटरोला के लिए सारी चीजें सही हो जाता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। क्योंकि दोस्तों मोटरोला का सारा टेक्नोलॉजी यूज करके जो स्मार्टफोन्स बनाया जा रहा था वो मोटरोला का नहीं था, वो लेनोवो का ब्रांड नेम के साथ में आ रहा था मार्केट में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा, मार्केट में कोई भी स्मार्टफोन बेचने से पहले उसका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मेहरबानी से लेनोवो को भी इस बात का पता चल जाता है कि उनका ब्रांड नेम से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। फिर क्या, लेनोवो फिर से अपना नया स्ट्रेटजी अपनाता है। लोगों को ब्रांड नेम से प्रॉब्लम था, तो उन्होंने लेनोवो को हटा के फिर से मोटरोला ला दिया। और वैसे भी दोस्तों टेक्निकली देखा जाएगा तो फोन्स तो मोटरोला का ही था पहले से, और यहाँ से मोटरोला के अच्छे दिन शुरू नहीं होता है।
क्योंकि वो टाइम चल रहा था 2016 का, जब एंट्री होती है चाइनीज ब्रांड की, जिसमें सबसे ऊपर होता है शाओमी, फिर ओप्पो, फिर वीवो। इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन को पूरा खत्म कर दिया होता है और मोटोरोला का फोन थोड़ा महंगा बिक रहा था। और इंडियन मार्केट में सबसे पहला ये स्ट्रेटजी लाने वाला ये चाइनीज ब्रांड ही थे कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करा दो। और दूसरा साइड ऑनलाइन मार्केट में वन प्लस वहाँ अपना अलग ही जादू चला रहा था, क्योंकि दोस्तों वन प्लस अपने प्राइस में बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस दे रहा था एक फ्लैगशिप किलर के नाम। और एक अंदर की बात बताओ, ये सारे के सारे चाइनीज प्लेयर्स एक ही टीम के खिलाड़ी थे और वो था बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर क्या, 2016 से जो ऊपर जाना चालू होता है 17, 18, 19 तक लोग ऊपर ही ऊपर चलते रहता है और बाकी सारे ब्रांड्स नीचे ही नीचे चलते रहते हैं, इंक्लूडिंग मोटरोला। और इसके चलते कुछ ब्रांड इतना ज़्यादा नीचे चला गया होता है कि उनको अपना शटर ही डाउन कर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एलजी, नोकिया, कार्बन, माइक्रोमैक्स, एचटीसी और लेनोवो जैसे सारे ब्रांड्स को अपना शटर ही डाउन कर देना पड़ता है। और इसमें एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स बच जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग अपर लेवल पे खेल रहे होते हैं और उनके लिए वो लोग काम भी कर रहे होते हैं, फ्लैगशिप लेवल का अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च भी कर रहे थे पूरा टाइम पीरियड में। लेकिन दोस्तों ये बड़ा ताज्जुब की बात है, भले मोटोरोला कितना भी नीचे चले जाए बट वो ब्रांड पूरा बंद नहीं होता है, समहाउ बच ही जाता है। फिर क्या, शायद चाइना से ये बात देखा नहीं गया और उन्होंने 2019 के एंडिंग में सबसे बड़ा ब्रांड को लॉन्च कर देता है। और ये खाली स्मार्टफोन मार्केट ही नहीं, पूरा दुनिया को बंद कर देता है। जी हाँ, COVID-19 की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। मजाक कर रहा हूँ ऐसा, लेकिन आप सबको पता है कि COVID-19 आने के बाद में क्या होता है। लॉकडाउन लग जाता है, महंगाई बढ़ जाता है, चिप शॉर्टेज हो जाता है, इम्पोर्ट टैक्सेस भी लगने लग जाता है और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। फिर क्या, 3-4 साल तक मोटोरोला भले खामोश रहा, लेकिन दोस्तों वो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद 2020 में वो लोग आता है अपना नया फ़ोन के साथ में, मोटो वन फ्यूजन के साथ, जिसमें दोस्तों वो टाइम का सारे ट्रेंडिंग फीचर्स होता है, जैसे कि पॉपअप कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, एमोलेड डिस्प्ले, हायर रिफ्रेश रेट जैसे सारे ट्रेंडिंग फीचर्स, वो भी अफोर्डेबल बजट में। और उस टाइम पे जब सारे ब्रांड्स अपना फ़ोन का प्राइस कम करने के लिए प्री इंस्टॉल एप्स, एड्स और बहुत सारे ब्लॉगवेयर्स भर भर के दे रहे थे, तो उसका भी फ़ायदा उठाया मोटोरोला ने। मोटोरोला ने वहाँ पे पूरा क्लीन एंड स्ट्रॉक एंड्रॉयड देना चालू किया, जिसके वजह से लोगों को यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और तब से मोटोरोला आज तक अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग सीरीज का फ़ोन लॉन्च करता रहा। फॉर एग्जांपल ये जी सीरीज का फ़ोन है और ये बजट रेंज में आने वाला फ़ोन है। लेकिन दोस्तों पिछले 4 सालों से लगातार मोटोरोला फ़ोन लॉन्च किए जा रहे, फिर भी दोस्तों अभी तक मोटोरोला ने सिर्फ 13% का ग्रोथ किया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मोटोरोला सही फोन लॉन्च नहीं कर रहा है, सही प्राइस में लॉन्च नहीं कर रहा है। तो वही जानने के लिए मैं लेकर आया हूँ ये मोटोरोला का रिसेंटली लॉन्च हुआ फोन, जो सिर्फ 10,000 रुपये का है। लेकिन दोस्तों अंडर एस्टिमेट मत करना इस फोन को कि ये सिर्फ 10,000 रुपये का है। मैं भी वही सोचा था, सिर्फ 10,000 का फोन है, इसमें क्या ही आता रहेगा। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाता हूँ इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर सारे जरूरी चीजें मिल जाता है, इंक्लूडिंग 20W फास्ट चार्जर। बाकी डिजाइन की बात करें तो सिंपल एंड क्लासी डिजाइन है, लाइट वेट है और इन हैंड फील भी काफी अच्छा है। बाकी ये मेरे पास ब्लू कलर है, इसका एक ग्रीन कलर आता है जो वीगन लेदर में आता है, उसका इन हैंड फील और ज्यादा अच्छा है, प्रीमियम है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात कर ले, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सॉफ्टवेयर आता है वो इस बजट में सबसे बेस्ट है। प्योरली क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड आता है, कोई प्री इंस्टॉल ऐप नहीं है, एड्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एंड्रॉयड 14 आता है, ये एक ओनली फोन है जिसके अंदर एंड्रॉयड 14 आता है इस बजट में। प्लस इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स आता है जैसे कि ये, या फिर ये, ऐसा बहुत सारे स्पेशल फीचर्स आता है जो सिर्फ मोटोरोला के फोन में ही मिलता है। दोस्तों इसका डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन दोस्तों 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में। 10,000 के अंदर में 120Hz का रिफ्रेश रेट बहुत अच्छी बात है। प्लस इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिया गया है, वो भी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में। सिंपली इसका मतलब ये है कि इसका डिस्प्ले अच्छा है, यूज करने को स्मूथ है, प्लस मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों मोटोरोला की तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो प्रोसेसर यूज किया है वो लास्ट ईयर 20 से 25,000 रुपये वाले फोन्स में मिल रहे थे, स्नैपड्रैगन 695 5G।
और इन्होंने ये 10,000 के अंदर लाया है। और क्योंकि ये 5G फोन है तो इसमें 13 5G बैंड्स आता है, और जितना ज्यादा 5G बैंड्स उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। और इसका 5G स्पीड देखने के बाद मैं खुद भी हैरान था, एक हाथ में ये फोन और दूसरे हाथ में 40,000 का फोन है, दोनों में सेम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल भी करेंगे। और स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि महंगा फोन का नेटवर्क स्पीड ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, मोटोरोला डाउनलोड प्लस इंस्टॉल भी कर लेता है, वो भी आधे टाइम में। और इतना ही नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा हैवी गेम्स पे मैक्स सेटिंग मिलता है, प्लस इसमें स्मूथ चलता है, कोई लैग वैग नहीं है, तो गेम खेलने पे भी इसमें मजा आता है। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, बजट फोन में ना एकदम बेसिक सा कैमरा दे देते हैं जिससे आप सिर्फ काम चला सकते हो, जिससे काम चल जाएगा, लेकिन इसका बात कुछ और है। इसमें 50 megapixel का डुअल कैमरा मिलता है, प्लस 16 megapixel का सेल्फी मिलता है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल देख लो, आप खुद ही डिसाइड कर लो कि इसका कैमरा कैसा है। तो स्टार्ट करते वीडियो से। वैसे तो दोस्तों इसमें 1080p 30fps तक का वीडियो सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों आप वीडियो का क्वालिटी देखो, बहुत ज्यादा नेचुरल रखने का ट्राई करता है, प्लस इसमें जो शेडोज है, डायनामिक रेंज है, वो सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। और ये सिर्फ वीडियो में ही नहीं, फोटो में भी कैरी ऑन हो जाता है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नेचुरल कलर रखने का ट्राई करता है, कोई बूस्टेड कलर नहीं है इसमें। नॉर्मल स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉपर मेंटेन रखा है। प्लस ऑटो डेप्थ ऑफ फील्ड भी इसमें बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड ब्लर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है, और इसका सेल्फीज भी डिसेंट आ जाता है। तो बेसिकली ये एक ऑलराउंडर फोन है, और पूरा टेस्ट करने के बाद मैं इतना बोल सकता हूँ कि 10,000 के अंदर में ये एक बेस्ट फोन है। और मैं सिर्फ इसी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक फोन का एग्जाम्पल दिया मैं आपको। अभी रिसेंटली मोटो H50 Pro लॉन्च हुआ, एंड उसमें भी इतने अच्छे अच्छे फीचर्स आता है ना, एंड मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो फोन भी 32,000 के अंदर बेस्ट फोन है। तो जब मोटोरोला इतना अच्छा काम कर रहा है, अपने सेगमेंट का बेस्ट फोन लॉन्च कर रहे पिछला 4 साल से, तो सवाल फिर से वहीं पे आ जाता है, पिछला 4 साल से इतना मेहनत करने के बावजूद भी मोटोरोला अभी तक सिर्फ 13% का ही ग्रोथ किया है, ऐसा क्यों? अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। तो जितना मैंने रिसर्च किया उसमें साफ साफ सिर्फ 2 रीजन दिख रहा, और उसमें से भी पहला और बड़ा रीजन है ऑफलाइन मार्केटिंग। दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप मन बना के जाते हो कोई और फोन लेने का, लेकिन स्टोर में जाने के बाद ओप्पो या वीवो का फोन लेके बाहर निकलते हो? अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका रीजन इजी से इजीएस्ट वे में बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, वहाँ पे आपको ओप्पो वीवो का फोन मिलेगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि वहाँ पे आपको ओप्पो वीवो का डेमो फोन मिल जाएगा, जिसको आप हाथ में लेके चेक कर सकते हैं, देख सकते हो। और नॉर्मली लोग जाके पहले ऊपर नीचे कर करके डिजाइन देखेंगे, और ओप्पो और वीवो डिजाइन के मामले में बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अट्रैक्टिव एंड आई कैची डिजाइन बनाते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, वो लोग जाके सेल्फी खोलेंगे और खुद का सेल्फी लेंगे, गोरा गोरा दिख जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो आधे लोग तो वहीं पे फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन समझ लो आप मेरा वीडियो देखने के बाद में फोन खरीदने गए और कान पकड़ ले कि फोन चाहिए तो सिर्फ मोटो का ही फोन चाहिए, तो वहां पे आ जाएगा प्रमोटर। अब प्रमोटर क्या करेगा, वो फिर से फोन लाएगा, ब्राइटनेस फुल करेगा, फोटो खींचेगा आपके साथ में, सेल्फी लेगा, और बहुत सारे तारीफों का बौछार करेगा आपका। और साथ में आपको जो फोन लेने का बात करेंगे उसके साथ में कंपेयर करके उसका बुराई करेगा और इसका अच्छाई, जैसे कि उससे अच्छा कोई फोन है ही नहीं है। और लास्ट में एक ऑफर दे देगा, बोलेगा ये 25,000 का फोन है लेकिन आपको मैं 21,500 में दे दूंगा, और आप वहाँ पे चालू हो जाएंगे बार्गेनिंग करना, वहाँ पे आप फंस जाते हैं, आपको गुमराह कर दिया जाता है। फिर क्या, 20,000 का फोन आपको 21,000 में दे देगा, और आप खुशी खुशी आ जाएंगे घर पे और देखेंगे कि अरे यार ये तो 20,000 का फोन है, हमको 21,000 में चिपका दिया। अब समझो यहाँ पे जरा वो प्रमोटर ऐसा करता क्यों है। सबसे पहली बात, उसको जो भी फोन वो बेचेगा उसको इंसेंटिव मिलता है, 200, 500, 1,000 कुछ भी उसको इंसेंटिव मिलता है। दूसरी बात, उसको ब्रांड के तरफ से सैलरी मिलता है। तीसरी बात, उसको शॉप के तरफ से भी सैलरी मिलता है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे ना, कोई भी स्टोर में अंदर जाओगे आप, वहाँ पे ओप्पो का, वीवो का और सारे ब्रांड्स का वहाँ पे प्रमोटर रहता है, और वो लोग अपना ही फोन देने का ट्राई करता है। वैसे इस स्ट्रैटेजी पे अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा बात कर सकते हैं, किसी और दिन और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोटोरोला की तरफ से, कि उनको ये चीज करना चाहिए, ऑफलाइन मार्केट में जाना चाहिए। आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे वहाँ पे मोटोरोला का फोन दिखता ही नहीं है, हार्डली मिलता है मोटोरोला का फोन, वो भी अभी अभी मिलने लगा है। एंड आई थिंक मोटोरोला को इस चीज पे काम करना बहुत जरूरी है। चलो मोटो का तो सही ही चल रहा है, लेकिन सैमसंग कैसा लोगों को पागल बना रहा है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।